नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। शराब तस्करी का किया गया खुलासा। पूरा मामला सैयद राजा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस अधीक्षक चंदौली हेमंत कुटियाल के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के अभियान तहत थाना प्रभारी के निरीक्षक लक्ष्मण पर्वत माया हमरियान की असली टीम प्रभारी अभय कुमार सिंह, निरीक्षक सत्येंद्र कुमार यादव हमरियान संयुक्त कार्रवाई में उस समय सफलता मिली जब तीन अंतर प्रति शराब तस्करों द्वारा अवैध शराब के TCM ट्रैक में लदकर हरियाणा प्रांत से बिहार जाने बेचने हेतु ले जा रहे थे, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए तक की है आंका की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर संगन चेकिंग अभियान चलाकर अभियुक्तगढ़ को नौबतरा सैयद राजा से गिरफ्तार कर लिया गया तथा वाहन के जिम्मेदार अंधेरे के फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तारी के अभियुक्तगढ़ ध्रुव थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत के आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। अवधेश यादव की खास रिपोर्ट। देखिए इस समय तोबतपुर चेक पोस्ट के पास जो है थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत सैयद राजा, स्वाट टीम प्रभारी अभय कुमार सिंह और सत्येंद्र कुमार यादव द्वारा जो है मुखबिर की सूचना पर एक DCM को रोककर चेक किया गया, तो ऊपर से अंडे वाली जो दफ्ती टाइप का होता है उससे ढका हुआ एक ट्रक मिला, जिसमें चेक करने पर अवैध रूप से हरियाणा से लाई जा रही शराब की बरामदगी हुई, जिसकी संख्या 403 पेटी में कुल 10,428 बोतल इम्पीरियल ब्लू के और मैकडॉल के विभिन्न माप के बोतलों में जो है शराब बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत वर्तमान में लगभग 40 लाख रुपए है। अभियुक्तगढ़ दो गिरफ्तार किए गए हैं, जो एक राजस्थान जयपुर का रहने वाला और एक हरियाणा सोनीपत का रहने वाला है। इनसे पूछताछ से पता चला कि ये बिहार राज्य की में ले जाकर शराब को किसी के माध्यम से बिकवाते हैं और उसका काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ कमाते हैं। इनके पास से एक DCM और मोबाइल नोकिया और सैमसंग के दो कीपैड बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके इनको जो है जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले यहाँ आए हैं, ऐसी तस्करी किए हैं कि पहली बार आई है? अब तस्करी के बारे में इनसे जानकारी की गई तो इन्होंने तो स्वीकार किया कि हम पहली बार ही आए हैं और इसके पहले नहीं आए हैं। सर, पुलिस द्वारा लगातार शराब तस्करी भी पकड़ा जा रहा है, क्या माना जा रहा है कि बिहार में अवैध रूप से लगातार शराब की तस्करी हो रही है? अब ये पकड़े जाने का मतलब ही है कि बिहार राज्य में आर्थिक लाभ ज़्यादा है, शराब के बिक्री से जो है काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, जिस कारण हरियाणा से ले जाकर अवैध रूप से बिहार में इसकी बिक्री करते हैं। बिहार में